टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट ने मारा है एक सिक्सर। जी हाँ, छक्का मारा है और एक बड़े डीमर्जर का ऐलान किया है। टाटा मोटर्स का बिजनेस दो भागों में बढ़ जाएगा। पहला कमर्शियल व्हीकल, यानी कि टाटा के ट्रक्स, पिकअप वैन्स, जो भी कमर्शियल व्हीकल्स है वो एक कंपनी में हो जाएंगे। दूसरी कंपनी में क्या होगा, सारी टाटा की गाड़ियां, कारें, पैसेंजर व्हीकल्स, दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और तीसरा जेएलआर, जगुआर और लैंड रोवर का जो भी बिजनेस है वो सारा का सारा टाटा मोटर्स का दूसरे बिजनेस में हो जाएगा। अगर आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर है, आपको ये शेयर दोनों के बराबर बराबर मिलेंगे, एक एक दोनों शेयर मिल जाएंगे, दोनों कंपनियां लिस्टेड भी होंगी। पूरी प्रोसेस में लगेगा साल पर। अब बड़ा सवाल है कि वैल्यूएशंस क्या है। देखिए, जो मेरी मोटा मोटी कैलकुलेशन है, टाटा मोटर्स के जो पैसेंजर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जेएलआर का वैल्यूएशन है वो करीबन करीबन 750 रुपए के आसपास, 750 रुपए के आसपास बनता है। जो कमर्शियल व्हीकल्स का बिजनेस है उसका वैल्यूएशन बनता है 325 रुपए के आसपास, यानी कि दोनों मिला के हुए 1050 रुपए के आसपास। करीबन करीबन 75 से 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट्स, दूसरा है होल्डिंग कंपनी का जो डिस्काउंट है, उन सबको मिलाकर देखें तो 1150 से 1150 रुपए के आसपास की ब्रॉडली फेयर वैल्यू बनती है। अब कल शेयर क्या करेगा, ऑफकोर्स भागेगा भाई, क्योंकि शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी डील दी है, वैल्यू अनलॉकिंग का काम किया है। मुझे लगता है मोटा मोटी 3-4% के आसपास की तेजी टाटा मोटर्स में बन सकती है। लेकिन आपको क्यों रोज रोज सोचना है, टाटा मोटर्स तो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। हम लगातार 200-300 रुपए से कह रहे हैं, और जब तक ये 1500-2000 रुपए ना हो जाए तब तक होल्ड जरूर करिए।